नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको जेसीए की जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आपको मिल जाएगी। की वैकेंसी है, एक ध्यान रखिएगा। और बहुत बढ़िया इसमें इनकम है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, कैसे आपको तैयारी करना है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी होती है, ये पूरा डिटेल मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बता दूंगा। जिन्हें भी, क्योंकि इसका ओवरऑल प्रोसीजर जो होता है वो मात्र 6 से 7 महीने में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, मात्र 6 महीने में इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसीजर है। दिसंबर में नोटिफिकेशन है, जनवरी में एग्जाम है, अगला चरण फरवरी में है, फिर डिस्क्रिप्टिव आपके ऐसे आगे चल के, तो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपके मई तक खत्म है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मात्र अगर कम समय में जॉब लेना है तो वो सुप्रीम कोर्ट का, और दिल्ली में अगर जॉब करना है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो इससे अच्छी जॉब नहीं हो सकती है, अच्छे प्रमोशंस के साथ, अच्छी सैलरी के साथ। तो जो बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा प्लस में बेहतरीन कोर्स लाया गया है जेसीए का। ये 499 रुपए का कोर्स है, 999 में इसका बेस प्राइस है। अभी ऑफर के साथ ये कोर्स दिया जा रहा है। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड पूरा स्टडी मटेरियल, आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन, ये सब कुछ हम इस बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, वहां से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए हम धीरे से आप जॉब प्रोफाइल की बात कर लें कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या है। उसके लिए सबसे पहली बात आती है कि भाई कौन फॉर्म भर पाएगा, इसके लिए हम एलिजिबल कौन है। तो एलिजिबल वो होगा जो बैचलर डिग्री किया होगा, किसी भी आप ट्रेड से किए हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज और है कि आपकी इंग्लिश टाइपिंग, ये तो जनरल होती है कि कोई भी सीख सकता है, मात्र 2 से 3 महीने में स्पीड ला सकता है। इंग्लिश है, हिंदी होता तो मैं कहता कि एक बार समय लगेगा, फॉन्ट क्योंकि उसमें मंगल इंस्क्रिप्ट ये सब मांगता है। यहां इंग्लिश में आप 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप ला सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये चाहिए कंप्यूटर का ऑपरेशन नॉलेज थोड़ा सा चाहिए, एज लिमिट आपकी 18 से 30 की होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आता है सबसे बड़ी बात कि सर जी पैसा कितना है इसमें। तो पैसा आपका बहुत बहुत पैसा है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ग्रेड पे की अगर लेवल 6 की है, यहां पर आपको मिलता है लेवल 6 का पेमेंट मिलता है, मतलब 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ये ध्यान रखिएगा, एक अच्छा खासा। और इसमें जो बेसिक सैलरी होती है वो 35,400, जो डीए है अभी 50% 17,700 मिलेगा, एचआरए और अगर आपके अलाउंसेस मिला के आपके 1,000 लिखा है 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 10,000 के आसपास आपके और अलाउंसेस मिला के मिलते हैं, एचआरए प्लस अदर अलाउंसेस। ग्रॉस सैलरी आपकी जो बनेगी वो 63,068, आप देखे होंगे लिखा भी होगा, तो 63,000 के आसपास, मतलब आपके उसमें भी नोटिफिकेशन में 63,068 रुपए लिखा हुआ है ग्रॉस सैलरी। तो ऑलमोस्ट 63,100 मैंने उसको राउंड फिगर ले लिया है, तो 63,000 ग्रॉस सैलरी आपकी। डिडक्शन आपका जो होगा ऑलमोस्ट 5,310 के प्रॉफ, और इन हैंड आपको हम बता रहे हैं 57, आपको 57K से लेकर 58K तक सैलरी इन हैंड आपको मिलेगी। तो ये सैलरी है आपकी, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको सैलरी मिलेगा, अच्छा खासा सैलरी है, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात की आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ होगी, दिल्ली में होगी, सुप्रीम कोर्ट में, ये ध्यान रखिएगा। वर्किंग क्या है, मैनेजिंग अरेंजिंग फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट। भैया सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल्स हैं उनको अरेंज करना, उनको मैनेज करना, आंसरिंग एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग, जब कोर्ट आपका स्टार्ट होता है उसके जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं उसके जवाब के तौर पर उनको मेंटेन करना, आपको प्रतिलिपि बनाना, उसको मेंटेन करना, मतलब रिकॉर्ड जो आपके कोर्ट के होते हैं जो भी, उसको मेंटेन करना, बेसिकली एक क्लर्क के ही टाइप के आप बोल सकते हो, लेकिन सैलरी आपकी क्लर्क से ऊपर है। जो जूनियर असिस्टेंट, कुछ लोग इसको तुलना करते हैं जूनियर असिस्टेंट, आपकी वर्किंग भलाई कुछ इस प्रकार की है कि कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन ये जूनियर असिस्टेंट के पद से बहुत बड़ा पद है, ये ध्यान रखिएगा इससे। उसके बाद हेडिंग द जज एंड अदर सुपीरियर ऑर्डर, मैनेजिंग द जज ऑफिस, मतलब जो जज का ऑफिस है उसको मैनेज करना, उनके ऑर्डर के हेडिंग ये सब मेंटेन करना, एक तरह से बेसिकली आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का ही वर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जब जाओगे,
अब यहां पर बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं आपके, वर्क एंड बेनिफिट्स क्या है भाई, हॉलीडे, पेड हॉलीडे भी मिल जाता है आपको, इंसेंटिव भी आपको अच्छे खासे हैं, पैटर्नल और मैटर्नल लीव भी मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जो मैटर्नल लीव होते हैं वो भी आपको, मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी मिलती है, चाइल्ड सेफ्टी की फैसिलिटी भी आपको मिलेगी, तो ये सब आपके बेनिफिट्स आपको यहां पर मिलते हैं। पोस्टिंग मैं बता दूं तो पोस्टिंग आपको न्यू दिल्ली में होगी, ये सबसे अच्छी बात है, जिनको भी दिल्ली में वर्क करना है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अब प्रमोशन की बात करते हैं कि प्रमोशन इसमें किसके अकॉर्डिंग होता है, ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, कुछ लोग प्रमोशन में आपको जनरली बता देते हैं कि जेसीए से सीधे आप सीनियर असिस्टेंट बन जाते हो, ऐसा थोड़ी होता है सीनियर असिस्टेंट तुरंत बन जाते हो, कई सारे प्रोसीजर होता है, पहले आप जूनियर कोर्ट असिस्टेंट रहोगे जो 4200 ग्रेड पे की लेवल 6 पर आप वर्क करते हो, फिर आपका जो प्रमोशन होता है मतलब 4 से 5 साल या डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, तो प्रमोशन से भी होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग भी आप बन सकते हो, कोर्ट असिस्टेंट बनते हो जो लेवल 7 का होता है, 4600 ग्रेड पे का होता है, फिर आप कोर्ट एसोसिएट या सीनियर कोर्ट असिस्टेंट बनते हो, जैसे कोर्ट एसोसिएट आपका स्टेनो में भी होता है, इसमें भी होता है, नॉन स्टेनो में भी होता है, तो सीनियर कोर्ट असिस्टेंट लेवल 8 का बनते हो जिसका 4800 ग्रेड पे है, तो फिर आप खेलने लगोगे अब लाखों में खेलने लगोगे, फिर कोर्ट मास्टर नॉन शॉर्ट हैंड वाला, ब्रांच ऑफिसर, 2 पोस्ट होते हैं कहीं भी आपको प्रमोट करके, जहां पर सीट खाली होगी, ये समझ लो ऑलमोस्ट 4 से 5 साल में ये प्रमोशंस होते रहते हैं, 4 से 5 साल के गैप में, ईयर में आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं और आपका प्रमोशंस भी जैसे सीटें खाली होंगी उसके अकॉर्डिंग भी होता रहता है। लेवल 11 पे पहुंच जाओगे फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कहोगे सर जी रजिस्ट्रार कैसे बनेंगे, हम कोनो बैचलर डिग्री थोड़ी किए हैं, मतलब लॉ की डिग्री थोड़ी लिए हैं, अरे भैया लॉ की डिग्री नहीं लिए हो तो ये बिना लॉ वाले जो होते हैं रजिस्ट्रार के पद भी हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरा पीडीएफ इसका साथ से आपको दे दूंगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 4 लेवल 12 ग्रेड 7600 की जॉब पे आप प्रमोट हो गए, फिर अब उसके बाद से अगर हम बात करें कि डिप्टी एडिशनल और रजिस्ट्रार, इनके लिए अगर आपने लॉ की डिग्री ले रखा है, आपके पास लॉ है, यहां तक पहुंचना एक बड़ी बात है कि रजिस्ट्रार तक पहुंचना बड़ी बात है, इनके लिए फिर आपको लॉ की डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप जॉब में रहते रहते डिस्टेंस लर्निंग लॉ ले लेते हैं तो आप अगर कम उम्र में ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है, लेकिन यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, रजिस्ट्रार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार अगर कोई पहुंच पाएगा तो पहुंच पाएगा, नहीं तो अब डिपेंड करेगा ना कि आगे सीट कैसी खाली है, नहीं तो आपका ग्रेड पे बढ़ता जाएगा, नहीं तो आपको पद नहीं मिलेगा, आपका जो ग्रेड पे है ये बढ़ता जाएगा, सैलरी आप उतना ही उठाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि पोस्ट पे डिपेंड करता है कि वहां कितनी सीटें खाली है, खाली होगा तभी वो पद मिलेगा, नहीं तो आपका ग्रेड पे बढ़ता जाएगा, लेवल आपका बढ़ता जाएगा, सैलरी आप उतना ही उठाओगे लेकिन पोस्ट आपकी वही रहेगी, मान लो कोर्ट मास्टर पे हो तो यही रहेगी, हो सकता है आप 7600 ग्रेड पे पहुंच जाओ, आप 8700 ग्रेड पे पहुंच जाओ लेकिन आपका पोस्ट नहीं बढ़ेगा, ये होता है कई जगह में जब आप पद नहीं खाली होता, तो ये आपके प्रमोशंस का सीन है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रमोशंस आपको बता दिया, इसकी वर्किंग बता दिया, पोस्टिंग कहां होगी, बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे कि भैया एक पूरा अच्छा खासा दिल्ली में आपको एचआरए भी अच्छा खासा, ऐसा नहीं मैंने कहा ना यहाँ पर कि आपको एचआरए ठीक ठाक 9000 से ऊपर मिलता है, एचआरए 5000 तो मिनिमम इसकी स्टार्टिंग है, 5000 से 10000 के बीच में एचआरए मिलता है, तो वही मैं 10 से 11000 आपको सभी अलाउंसेस मिला के 10 से 11 के आपके अलाउंसेस होते हैं, तो मैंने मिनिमम ही सब कुछ जोड़ के आपको बताया है कि मिनिमम सैलरी आप 57 से 58 हजार पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। तो एक अच्छी खासी सैलरी है और अच्छा खासा पद भी है, सिर्फ बैचलर आपसे मांगा और इंग्लिश की टाइपिंग मांगा है, तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं जुट जाइए, समय एकदम नहीं मिलेगा क्योंकि जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा, और इतने कम समय में, और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आपको क्या तैयार करना है, आपको मात्र का एक इंग्लिश का आपका अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आपके और जीएस के 25 क्वेश्चन और मैथ और रीजनिंग की बताएं तो 25 क्वेश्चन मिला के और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन, ये अगर आपका तैयार है तो समझ लो कि आप 125 क्वेश्चन में अगर
90 प्लस टारगेट कर ले जाते हो तो आप सिलेक्टेड हो इसमें, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके आगे के प्रोसीजर भी तो है, तो उन्हें भी आपको टारगेट करना रहता है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं आज से जुड़ जाइए, परीक्षा प्लस ऐप पर ये बैच लॉन्च कर दिया गया, क्लासेस भी इसकी स्टार्ट हो गई हैं, डेमो क्लासेस आप ऐप पर देख सकते हैं मात्र 499 रुपए में, अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। तो चलिए, जो भी आपको अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए आप एक बार इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।